हेलो, कोई है यहाँ पे? रिजवान शाह, आप लोग हो यहाँ पे कि नहीं हो? क्या नाम है रिजवान शाह का? रिजवान शाह, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी बहन का नाम क्या है? हेलो, कोई है यहाँ पे? एक की वॉचिंग है और एक लाइक है। बच्चे आप लोग मुझे मत बता नहीं रहे। हेलो, गुड़िया नाम है। और हमारे वाह जी वाह, गुड़िया कैसी हैं गुड़िया आप? गुड़िया बहुत हो गई, बाबा जी की शादी करवा दें। बाप ये भाई तुम्हारा जो ना पापा बन गया अब। नहीं, मेरा गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। गुस्सा ठंडा होने के लिए थोड़ी होता है। अच्छा, जान मोहम्मद के नाम से आईडी है। अच्छा, वो जो तो आप उस आईडी से भी आया करो ना, वॉच टाइम तो बढ़े ऐसे। या तो फिर वो वाली जो आईडी है वो ओपन करके एक साइड पे रख दो, आवाज़ को म्यूट बंद कर दो, आवाज़ म्यूट कर दो बिल्कुल। और सुनाएं, क्या हाल चाल है? बारिश का मज़ा ले लिए? अच्छा, मेरा तो घर बंद है ना बिल्कुल, तो बस आवाज़ें आ रही थी। रिजवान शाह कह रहे, कल रात को अम्मी से बात हुई थी, आपके चैनल का नाम पूछ रही थी, मैंने लिंक भेजा है। और अच्छा, अम्मी की तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और मैंने तुमसे कहा था कि तैयारी पकड़ो और अपनी अम्मी को उम्रे पर लेके जाओ। और शौकत सलीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। फजल रहमान बलोच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजल, आ गए तुम कराची? आ गए कि कोयटा ही हो? एक्चुअली आज की लाइव मैंने करनी नहीं थी, लेकिन अलीशा ने इतना इंसिस्ट किया ना कि बस मुझे लाइव करनी पड़ गई। रिजवान शाह कह रहे, मुझे हैदराबाद जा रहा था शादी में, हमें भी सुन रही थी। मैंने बताया था उनसे, बताया था ना उस टाइम पर, इस्लाम अम्मी को भी मैंने बताया था आपका। हाँ, मुझे पता है रिजवान शाह, मुझे पता है। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी बारिश की वजह से। हाँ, बारिश तो बड़ी अच्छी हुई है माशाल्लाह। हाँ, मैं यही बताई थी कि हमारा घर तो बंद है ना, तो फिर वो पता ही नहीं चलता बारिश का। तो आवाज़ तो, बारिश का मज़ा सेन वाले घरों में आता है या छत वाले घर में? अच्छा जी, मैं ठीक है अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैं कोयटा में हूँ। अरे फजल रहमान, इतनी सर्दी में तुम करने क्या गए हो ये तो बता दो, कहीं दूसरी शादी तो नहीं करने चले गए? लाजमी तुम दूसरी शादी करने गए हो वहां पे, इतनी सर्दी में। लो, कोयटा में बर्फबारी है? हाँ, कोयटा में बर्फबारी हो रही होगी। मैं तो कभी भी ना जाऊँ, अल्लाह माफ़ करे। मैं पता कितने साल हो गए मुझे गए हुए कोयटा, मेरे ख्याल में आई थिंक 18 या 20 साल हो गए। पहले तो हम 6 महीने साल बाद चले जाते थे पहले, लेकिन अब 18 साल शायद 20 साल तो हो चुके हैं, क्योंकि दिलशाद 3 साल का तो हो गया। हाँ, 3 साल का था। हाँ, सही सही, 20 साल हो गए मुझे कोयटा गए हुए। पता है, बहुत दफा प्रोग्राम बनाया लेकिन फिर छोड़ दिया। रिजवान शाह कह रहे, मेरी बहन आपसे बात कर रही है दूसरी आईडी से। थैंक यू सो मच जान मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहन गुड़िया आप? चार कंबल में लेटा हूँ, अभी बाहर नहीं निकल रहा मैं,
बहुत सर्दी है। लो तो तुम वापस आ जाओ ना। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी। माशा अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करें, अल्लाह पाक आप लोगों के जो है ना उम्र रिस्क में बरकत दे। अच्छा जी, 3 लाइक्स हो चुके, 2 की वॉचिंग है। मैं वापस नहीं आ सकता अभी, मैं मुझे समझ आ रही है, मुझे लग रहा है कि फजल रहमान कुछ शादी वादी का। अरिशा कहाँ है मेरी बहन, छोटी सी, छोटी सी बहन आज जो है ना बहुत गुस्से में, बेइंतहा गुस्से में। मैं 6 दिन बाद रवाना होऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, हिम्मत है भाई, हिम्मत है। वहां तो पानी के पाइप में भी बर्फ जम जाती है ना। अच्छा, मैं आपकी वीडियो ही वॉच कर रहा था। सही सही है ना फजल रहमान, वहां तो पाइपों में भी बर्फ जम जाती है। लेकिन वाकई अल्लाह पाक ने देखो हमारी बॉडी को जो है ना, हमारे जहाँ हम रहते हैं उसके मौसम के मुताबिक ढाला हुआ अल्लाह पाक ने, कि अब जो लोग कोयटा में रहते जो इतने ठंडे इलाकों में रहते हैं वो लोग भी तो रहते हैं ना, वो लोग भी तो इंसान है ना। तो बस अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, मैं तो कहती हूँ। और फजल रहमान कह रहे क्यों गुस्सा है अलीशा, अलीशा क्यों गुस्सा है। और लॉ फजल रहमान कह रहे हैं कि इतना ठंडा पानी, पता मैं एक दफा, पता नहीं हम कौन से महीने में, सितंबर अक्टूबर जून जुलाई जून मई अप्रैल, हाँ मेरे ख्याल में मई नहीं अप्रैल नहीं, मार्च या अप्रैल में गए थे हम लोग। तो वो उन्होंने जो है ना, ये जो सरियाब रोड है ना, सरियाब रोड, हम यहाँ हमारी मुमानी रहती थी, तो सरियाब रोड हम जब जाते थे तो वो लोग क्या करते थे कि टैंकी के नीचे उन्होंने ना चूल्हा जला के रखा हुआ था। ओए होए, पहली बार हो कराची गए और कोयटा गए हो, तब तो लाजमी तुम तो परेशान हो रहे होगे। रिजवान से कहने क्यों किस बात का गुस्सा है, उसको बुलाओ, उसको बोलो आपके बड़े भैया आए हैं, आ गए हैं। हाँ फजल रहमान, सर्दी तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह माफ करे, मैं तो लाहौर चली गई। अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा मसला वजू करने, वजू करने जाओ, ओए होए होए होए। और मजे की बात, लाहौर में गैस भी नहीं उन दिनों, तोबा तोबा तोबा। जी, सरियाब रोड के पास हूँ मैं। अच्छा तुम भी सरियाब रोड के पास हो, हम भी सरियाब रोड के पास ही रहते थे जाके। फिर एक दफा हम लोग होटल में ठहरे थे, उसके बाद हम गए नहीं दोबारा। अच्छा फजल रहमान कह रहे मैं अभी सरियाब रोड अरबाब गली में हूँ। अच्छा जी, अब मुझे तो खैर याद नहीं, इतना 120 साल का टाइम एक होता है। आपने खाना खा लिया, पराठा खा लिया, मैंने मना किया था ना पराठा खाने से। अच्छा जी, रिजवान से कह रहे मैं जैसा कोई है आपकी लाइफ में, मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, बताओ इसके बाद भी मुझे ताने मिलते हैं कि सपोर्ट नहीं करते। तंबा 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 तंबा, तोबा तोबा लिखना था, तंबा तंबा लिख देता सो। और फजल रहमान कह रहे उफ उफ, वजू की बात मत करो। हाँ सही बात है, वजू करो तो पता चलता है, लेकिन अल्लाह पाक को कितना पसंद है पता है ये वजू, ये अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना वो इस वजू से, माशाल्लाह।
उठाओ इधर 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 इधर, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाए। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाए ना, ये मेरे हैं। चलो शाबाश, जल्दी खाओ और जाके कुछ ला के दो। हाँ वो अभी 11 बजे के बाद, 11:30 बजे करेगी कॉल, अभी मैसेज आया उसका। कुछ बात नहीं दिन में हुई थी क्या कह रही? वो बाहर निकली हुई थी, बारिश हो रही थी, दड़ 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 दड़, कह रही हम जा रहे हैं अपना घर में, देखो सामान में पानी ना आ गया। अलीशा क्यों गुस्सा है? फजल रहमान पूछ रहे, रिजवान चक्कर हैदराबाद में कौन है, आपके रिश्तेदार रहते हैं कहाँ पर रहते हैं? हैदराबाद में ना जो लतीफाबाद में ना बुंदू खान कुल्फी वाले, सुना है आपने नाम बुंदू खान कुल्फी वाले? जी जनाब रिजवान शाह, बुंदू खान कुल्फी वालों को देखा है आपने लतीफाबाद में? अच्छा जी, ब्लाउज को क्या बात है, ब्लाउज को क्या बात है, पता नहीं रिजवान शाह क्या बात है। कितने दिन है? आप बुलाओ अलीशा को, क्या बात है आज, पता नहीं अभी उन्होंने बोला नहीं है। अच्छा एरम आर्ट माई पैशन आई है, अस्सलाम वालेकुम एरम, कैसी हैं आप? आज वो मुझे कह रही थी कि नाना के घर चलो, ठीक है, और बाहर बारिश हो रही थी, कीचड़ बहुत हो रहा था, कच्ची गलियां हैं तो वो परेशान हो जाती हूँ मैं। अब जहाँ हम लोग रहते थे ना वो पक्का इलाका, गलियां बनी हुई हैं सारी, अब हम जहाँ अब शिफ्ट हुए हैं ना, अब ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बस 1-2 महीनों की बात है, फिर मैं छोड़ के चली जाऊँगी, वापस जाएंगे जहाँ पर हम रहते थे। अब मुझे कह रही चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, चलो चलो चलो, उस पर जो है ना इनको आ गया गुस्सा। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो बस फजल रहमान बलोच, अब जब गए हो कोयटा तो अब बर्दाश्त करो, जब 1 हफ्ता ना यूज़ करो नेट, और फिर जब वापसी आ जाओगे कराची तो फिर यूज़ कर लेना। और इरम आर्ट माई पैशन कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी भी गई हैं फजल रहमान, तुम तो अपनी खाला के घर गए हुए हो ना, हद हो गई है, ये जो जख्म था ना ये बहुत तंग करता है। इरम आर्ट माई पैशन ऑन है, थैंक यू सो मच, लाइव को लाइक कर दीजिएगा काइंडली आप लोग। फजल रहमान बलोच, आपने भी लाइव को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिएगा, 4K वॉचिंग आ रही है। मैं नहीं नहीं मैं अकेला। अच्छा अच्छा सही सही। और इरम हमारे साथ हैं, फिर मैं घर वालों से नाराज़ होके आ गया हूँ। लो जी अच्छा अच्छा और सर्दी लगे फिर तुम्हें। जी हाँ बोलो, खुशी वाला कुल्फी वाला देखा है, उसका जो मालिक है ना वो मेरा भाई में मिलता है बिल्कुल दोनों। अच्छा बस वो हमारे दूर के रिश्तेदार लेकिन मैं कभी गई नहीं उनके घर। और इरम आर्ट माई पैशन कह रहे हैं रहमान भाई ज्वाइन माय चैनल प्लीज़, फजल रहमान इरम आर्ट माई पैशन को ज्वाइन कर लो। अच्छा मजाक कर रहे हो, इरम आर्ट माई पैशन को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। इरम कितना हुआ आपका वॉच टाइम, WT कितना हुआ? इरम आपका WT कितना हुआ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज़ काइंडली लाइव को लाइक कर दीजिएगा, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत।
श्यामा, श्यामा तिक्का वाले का नाम सुना है, वहां में साय का है, ताया का है, नहीं मैंने नहीं सुना हुआ। फजल रहमान कह रहे हैं मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ कोयटा। अच्छा, मेरे ससुराल का घर हूँ। अच्छा जी, बंदू कुल्फी वाले का बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पता नहीं लतीफाबाद में रहते हैं बस, वो लतीफाबाद में उन लोगों की। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, क्या करूँ मैं। कोई बात नहीं, अब मैसेज तो तुम्हारे आ रहे हैं फजल रहमान। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी 3-4 साल पहले हैदराबाद गई थी, अपनी दोस्त के साथ गई थी, तो मौला अली के जो कदम मुबारक है ना, उसके पीछे वाली गली में उसके बेटे का घर था, तो मैं उनके बेटे के घर गई थी अपनी दोस्त के साथ। फिर उसके बाद हम वो वहाँ से हम एक बाज़ार गए थे, बाज़ार में उनके उनका ससुराल था, हम वहाँ गए थे बाज़ार में ना, मार्केट थी बहुत बड़ी सी मार्केट थी, पता नहीं रेशम गली था, पता नहीं क्या था। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, मैं वहाँ से बेडशीटें वगैरह लेकर आई थी। हाँ फजल रहमान, आपके मैसेज सारे आ रहे हैं मुझे। और फिर मैं अभी अभी तो छोड़ दिया मैंने, खैर 3-4 पर नहीं, ज़्यादा ही हो गया, 5-6-7 साल हो गए मैंने छोड़ दिया, वरना मैं हर साल वहाँ जाती थी हैदराबाद में। वो जो सरफराज शाह बाबा है ना, पल्ले शाह बाबा, उनके मज़ार पे जाती थी मैं हर साल। और जी मैसेज आपको आ रहे हैं, आप जल्दी जल्दी मैसेज करें ना आप लोग। क्या मंगाना है? जी जनाब, 3 की वॉचिंग आ रही है, लेकिन आप लोगों के मैसेज, क्या आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं? अरे चेक करो ज़रा।
हेलो, आप लोगों को मेरे में मेरी आवाज़ आ रही है? मैसेज कोई भी नहीं आ रही है, यकीन करें आप। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अरीशा, मैसेज चेक करो जल्दी से। लाओ इधर मोबाइल लेके आप ना जल्दी से। तीन की वॉचिंग आ रही है। फजल रहमान हमारे साथ हैं, रिजवान शाह हमारे साथ हैं, और तीसरा कौन है हमारे साथ? दिल कर रहा है, मैंने जाना तो इतनी जोर से कार्टून पकड़ के कुछ तो करूं, जिसमें बंदा है तुम गिराए ना, मेरा बार बार केक खाने में दिल कर रहा है कि कुछ बोल। केक आज बनाना था, लिशा ने कहा था, लेकिन बस फिर वो नहीं बना पाए। पता कि आज तो लाइट भी नहीं गई बारिश की वजह से। पूरा दिन नहीं गई। अच्छा नहीं, बीच में चक्कर लगा के आई है। एक्की हो गया, एक्की डोला पै गया। मेरी दमाली बहुत है, सारी दम वाली बोतल है बाहर से, तो मैं कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ। चले, मैं दोबारा लाइव आ रही हूँ। तुम्हारे से नहीं ऑन हुई थी? अच्छा, गंदी आदत है एक चीज के पीछे पड़ने की।